Hello everyone and welcome to the officers. Today I am going to teach you the most important act of your ARC preparation, that is your J&K Cooperative Society Act 1989. इसका ये जो एक्ट है इसके चैप्टर्स जो हैं वो 16 हैं और 177 इसकी सेक्शंस हैं. तो सेक्शन वाइज आज मैं आपको पढ़ाऊंगी. सबसे पहले हम बात करेंगे सेक्शन वन की. सेक्शन वन जो है वो इंट्रोडक्शन के साथ डील करता है. तो किस चीज़ की इंट्रोडक्शन दे रहे हैं सबसे इंपॉर्टेंट आपको ये जानना. तो ये जो सेक्शन वन है ये डील करता है कि जम्मू एंड कश्मीर कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट जो है वो सबसे पहले कब इनैक्ट हुआ था. तो दैट मीन्स इट वॉज इनैक्टेड ऑन 1989. सेकेंड चीज़ ये बताता है कि ये कहाँ कहाँ एक्सटेंडेड है. तो ये होल ऑफ योर J&K यूनियन टेरिटरी में ये एक्सटेंडेड है ये पूरा का पूरा एक्ट. और थर्ड चीज़ जो बताता है ये कि ये किसको इम्प्लीमेंट कर रहा है. तो जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स 43B जो है ये उसको पूरी तरीके से जो है वो इन अकॉर्डेंस विद दैट प्रिंसिपल्स ये एक्ट जो था वो इनैक्ट किया गया था. अब आ जाता है आपका सेक्शन सेकेंड. सेक्शन सेकेंड जो है वो तीन चीज़ों पे फोकस करता है. सबसे पहले कि डेफिनेशंस ऑफ सर्टन टर्म्स, दूसरा वन ऑफ द ऑफिसर विच इज़ मैंशनड इन द एक्ट, और थर्ड ये कमेटीज़ के बारे में बताता है. अगर हम डेफिनेशंस की बात करें तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जो है वो दी गई है अपेक्स कोऑपरेटिव बैंक. कि अपेक्स कोऑपरेटिव बैंक्स क्या होते हैं. इस एक्ट के अकॉर्डिंग भी अपेक्स कोऑपरेटिव बैंक जो है उसका मतलब है कोऑपरेटिव फेडरेशन. यानी ऐसी कोऑपरेटिव फेडरेशन जो स्टेट लेवल पे काम करती है और जिसका काम क्या है, जिसका पर्पस क्या है, बिजनेस ऑफ बैंकिंग. यानी कि जो एक बैंक की तरह काम करेगी उसे बोला जाता है अपेक्स कोऑपरेटिव बैंक. सेकंड डेफिनेशन इसमें जो है वो है बोर्ड. बोर्ड मतलब एक गवर्निंग बॉडी, कोऑपरेटिव सोसाइटी की गवर्निंग बॉडी. मतलब किस तरीके से उस कोऑपरेटिव को गवर्न करना है, किस तरीके से कोऑपरेटिव्स को चलाना है, उसके लिए एक बोर्ड बनाया जाता है. और ये जो बोर्ड है इसका टास्क क्या होता है, इसका पर्पस क्या होता है, इसका फंक्शन क्या होता है, कि ये डायरेक्ट करती है और कंट्रोल करती है जितने भी सोसाइटी की जो मैनेजमेंट है उन अफेयर्स के साथ ये डील करती है. ठीक है. नेक्स्ट आता है कोऑपरेटिव क्रेडिट स्ट्रक्चर सोसाइटी. कोऑपरेटिव क्रेडिट स्ट्रक्चर सोसाइटी वो सोसाइटीज हैं जो सबसे पहले एलिजिबल हैं मेंबर ऑफ सेंट्रल लेवल कोऑपरेटिव. सेंट्रल लेवल कोऑपरेटिव की मेंबर बनने के एलिजिबल होते हैं और जो रजिस्टर्ड होते हैं अंडर द प्रोविजन ऑफ J&K सेल्फ रिलायंट कोऑपरेटिव एक्ट 1919. इन कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी स्ट्रक्चर सोसाइटीज का जो काम है वो क्या है. इनका काम होता है अरेंजिंग क्रेडिट एट कम्पिटिटिव रैंक्स. यानी इनका मेन फंक्शन जो होता है वो होता है फिनेंशियल मैटर्स के साथ फिनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करवाना अपने मेंबर्स को. ठीक है. नेक्स्ट इसमें डेफिनेशन आती है एफिलिएशन ऑफ और डिसएफिलिएशन ऑफ कोऑपरेटिव क्रेडिट स्ट्रक्चर सोसाइटी. तो ये मैं आपको ये फर्दर जो आपके सेक्शंस होंगे उनमें मैं बताऊंगी किस तरीके से कोऑपरेटिव क्रेडिट स्ट्रक्चर सोसाइटीज को एफिलिएट या डिसएफिलिएट किया जाता है. इसके बाद आता है मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी. मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटीज वो सोसाइटीज होती हैं जिनके मल्टीपल फंक्शंस होते हैं, जो मल्टीपल सर्विसेज में इन्वॉल्व होती हैं. जैसे फॉर एग्जांपल सेविंग्स में, क्रेडिट बिजनेस में, इंडस्ट्रीज में एंड इवन कंज्यूमर ड्यूरेबल्स टू इट्स मेंबर्स. यानी इस तरीके की फंक्शंस में जो इन्वॉल्व होते हैं उनको हम मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी कहते हैं. इसके बाद आ गया बायलॉज. बायलॉज बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपको क्वेश्चन आ सकता है कि बायलॉज होते क्या है. बायलॉज बेसिकली एक टाइम बींग पास ऐसे लॉज जो कि किसी टाइम बींग यानी थोड़े टाइम के लिए जिनको पास किया जाता है. और उनका मेन फंक्शन क्या होता है, पास करने का पर्पस क्या होता है, वो ये होता है कि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोविजंस रिलेटेड टू कोऑपरेटिव्स. यानी कोऑपरेटिव्स रिलेटेड अगर किसी भी प्रोविजन की इम्प्लीमेंट करनी हो तो टाइम बींग के लिए बाय लॉज जो हैं उनको इनैक्ट किया जाता है या पास किया जाता है. ठीक है. इसके अलावा आ गया मैंने ये तो था फर्स्ट पार्ट कि डेफिनेशंस कुछ टर्म्स की. सेकेंड मैंने आपको बोला था कि एक ऑफिसर मेंशनड है इस एक्ट में अंडर सेक्शन वन, वो है चीफ एग्जीक्यूटिव. चीफ एग्जीक्यूटिव जो है वो उसका मतलब क्या होता है कि जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ स्टेट लेवल फेडरेशन, सेंट्रल सोसाइटी और प्राइमरी सोसाइटी. यानी कि जो स्टेट लेवल फेडरेशन, सेंट्रल सोसाइटी या प्राइमरी सोसाइटी के साथ ये डील करते हैं. और इनके ये जो चीफ एग्जीक्यूटिव होगा ये बोर्ड और दूसरी जो कमेटीज होती हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज की उनका मेंबर भी होगा. नेक्स्ट चीज जो थर्ड चीज है सेक्शन सेकंड में वो है कमेटी. कमेटी का मतलब ये है कि वो गवर्निंग बॉडी कोऑपरेटिव सोसाइटी की
जो पूरा का पूरा अफेयर्स जो है पूरे कॉपरेटिव्स का, वो उसकी उसको मैनेज करती है। उनकी मैनेजमेंट के लिए डिफरेंट डिफरेंट कमेटीज होती हैं, वो भी एक इट इज़ लाइक ए गवर्निंग बॉडी। सेक्शन थर्ड जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो डील करता है कॉपरेटिव सोसाइटीज के स्ट्रक्चर के साथ में कि किस तरीके का स्ट्रक्चर होगा। तो थ्री टायर्स होते हैं हर एक कॉपरेटिव्स के, और सबसे पहले बात अगर हम करें तो ये डील करता है कॉपरेटिव फेडरेशन के साथ में कि किस तरीके से कॉपरेटिव फेडरेशन जो हैं उनको उनको स्ट्रक्चर्ड किया गया है। तो सबसे पहला आ गया डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे वो फेडरेशन ऑफ कॉपरेटिव्स होंगे जो कि प्राइमरीज और ब्लॉक लेवल सोसाइटीज जो हैं एफिलिएटेड होती हैं उनके साथ डील करता है। डिविजनल लेवल पे वो कॉपरेटिव सोसाइटीज होती हैं जो कि ब्लॉक लेवल, प्राइमरी लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल सोसाइटीज जो एफिलिएटेड हैं उनके साथ डील करता है। और थर्ड जो है वो है स्टेट लेवल, मतलब वो कॉपरेटिव सोसाइटीज जो अपेक्स लेवल पे होती हैं जो कि डिविजनल लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल और प्राइमरी लेवल कॉपरेटिव सोसाइटीज आर एफिलिएटेड। ठीक है, तो इस तरीके से तीन टायर्स के बारे में, यानी कि जो स्ट्रक्चर क्या होगा वो आपकी सेक्शन सेकेंड में आता है। नेक्स्ट आता है सेक्शन थर्ड। सेक्शन थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये रजिस्ट्रार की बात करता है। तो रजिस्ट्रार वो पर्सन होता है, सबसे पहले रजिस्ट्रार होता क्या है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कॉपरेटिव सोसाइटी में। सबसे पहले इसकी अपॉइंटमेंट कौन करता है, तो रजिस्ट्रार को अपॉइंटेड गवर्नमेंट करती है। और इसका नेक्स्ट आता है इसका फंक्शन क्या होता है, तो इसका फंक्शन ये होता है कि कॉपरेटिव सोसाइटीज से रिलेटेड जितने भी फंक्शन से कॉपरेटिव सोसाइटीज से, चाहे उनकी एडमिशन हो, उनकी रजिस्ट्रेशन हो, उनका वाइंड अप करना, उनका विड्रॉल करना, ये सब कुछ जो है वो रजिस्ट्रार करता है। और ये जो रजिस्ट्रार होता है ये रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द होल यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इसके अलावा जितने भी टाइप्स ऑफ सोसाइटीज के, जितनी भी टाइप्स ऑफ सोसाइटीज के जितने भी फंक्शंस हैं वो सब के सब जो है वो यही डील करता है। इसके अलावा अब क्या रजिस्ट्रार जो है उसके पास बहुत ज़्यादा बर्डन ना हो, इसीलिए गवर्नमेंट जो है वो किसी पर्सन को अपॉइंट कर सकती है रजिस्ट्रार को असिस्ट करने के लिए। तो इस उन पर्सन्स को जिनको रजिस्ट्रार को असिस्ट करने के लिए अपॉइंट किया जाता है उन्हें बोला जाता है एडिशनल रजिस्ट्रार कॉपरेटिव सोसाइटी। ठीक है, ये थ्रू आउट जो पूरे टाइम पे जो रजिस्ट्रार की क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, उनकी उनकी मदद करते हैं, उनको असिस्ट करते हैं। ठीक है, और इनकी जो जितनी भी इनकी जो स्क्रूटनी है या इनका जितनी भी गाइडेंस है, सुपरिटेंडेंस है, वो किसके कंट्रोल में होता है, रजिस्ट्रार के कंट्रोल में होता है। यानी ये इनकी इनको गाइड भी वही करता है, इनको कंट्रोल भी जो है वो रजिस्ट्रार जो है वही करता है। नेक्स्ट आ गया सेक्शन आपका 5 जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये डील करता है, रजिस्ट्रार तो अपॉइंट कर दिया लेकिन अब रजिस्ट्रार को अपॉइंट क्यों किया है। तो रजिस्ट्रार जो है उसका जो सबसे मेन फंक्शन होता है वो होता है रजिस्ट्रेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, यानी कि कॉपरेटिव सोसाइटीज को रजिस्टर कैसे किया जाता है। तो जो इसको इसके लिए जो प्रोविजन है वो ये है, सबसे पहले एक एप्लीकेशन दी जाती है रजिस्ट्रेशन के लिए, और वो जो एप्लीकेशन है वो रजिस्ट्रार को दी जाती है। ठीक है, और ये जो रजिस्ट्रार है इसका काम ये होता है कि ये देखना कि क्या इस एक्ट के अकॉर्डिंगली ये जो कॉपरेटिव जो रजिस्टर होने के लिए आई है ये एक्ट कर रही है या नहीं कर रही, या इसके प्रोविजंस पे लाई कर रही है या नहीं कर रही। तो उसके लिए क्या होता है, सबसे पहले कि जो भी इंडिविजुअल्स एप्लीकेशन फिल करते हैं वो रिजाइड करने चाहिए सेम विलेज में। मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाने के लिए 10 मेंबर्स जो हैं, कम से कम 10 मेंबर्स होने चाहिए। तो ये 10 के 10 मेंबर्स जो हैं या तो वो सेम विलेज से होने चाहिए या सेम ग्रुप ऑफ विलेज से होने चाहिए। ठीक है, या फिर सेम क्लास से होने चाहिए या फिर उनका सेम ऑक्यूपेशन, ये ऑक्यूपेशन जो है वो परस्यू करने चाहिए। तो ये क्राइटेरिया अगर वो फुलफिल करते हैं तो उस केस में उसको रजिस्टर किया जाता है। लेकिन इसमें भी फर्दर डिवीजन है। सबसे पहले डिवीजन ये है कि अगर कोई इंडिविजुअल्स हैं, अगर डिफरेंट डिफरेंट इंडिविजुअल्स हैं तो उनका क्या क्राइटेरिया है, और अगर हस्बैंड एंड वाइफ इकट्ठे होकर अगर कोई सोसाइटी बना रहे तो उनका क्या क्राइटेरिया है। तो अगर हम इंडिविजुअल्स की बात करें
तो उसके अकॉर्डिंगली अगर प्राइमरी एग्रीकल्चर सोसाइटी है तो जो नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स हैं वो 100 से कम नहीं होने चाहिए। ये एक क्वेश्चन भी मैंने डाला था तो बच्चों को उससे बड़ी कंफ्यूजन थी, तो मैं आपको आज बता देती हूँ कि अगर कोई प्राइमरी एग्रीकल्चर सोसाइटी है तो उस सोसाइटी में रजिस्टर करने के लिए 100 से कम जो है नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स नहीं होने चाहिए। अगर कोई प्राइमरी नॉन एग्रीकल्चर सोसाइटी है तो उस केस में 50 से कम इंडिविजुअल्स जो हैं वो रजिस्ट्रेशन के लिए नहीं होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद आ गया आपका अगर हस्बैंड और वाइफ हैं तो वो अगर एज ए मेंबर किसी इसको सोसाइटी को ज्वाइन करते हैं तो उनको ट्रीट किया जाएगा एज ए वन मेंबर, यानी वो एक एंटिटी में ही जो है वो आएंगे, उनको अलग अलग जो है वो ट्रीट नहीं किया जाएगा। इसके अलावा इन केस ऑफ ऑर्डिनरली रिजाइडिंग पर्सन्स, यानी कि जो ऑर्डिनरली रिजाइडिंग पर्सन्स हैं सेम विलेज के, उनको भी जो है रजिस्ट्रेशन के लिए वो भी जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो दैट मींस कि रजिस्ट्रेशन के लिए तीन टाइप के लोग अप्लाई कर सकते हैं, एक आ गया पर्टिकुलर इंडिविजुअल, दूसरे आगे हस्बैंड्स एंड वाइफ, हस्बैंड और वाइफ जिनको एक एंटिटी माना जाएगा, और थर्ड नंबर पे आते हैं जो भी ऑर्डिनरली रेजिडेंट पर्सन्स होते हैं। इसी एक्ट सेक्शन जो आपकी जो फिफ्थ है इसके अंडर एक और क्लॉज है कि क्राइटेरिया ऑफ एज क्या होना चाहिए। तो जो भी पर्सन एप्लीकेंट जो भी होगा, जो भी रजिस्टर्ड करवाना चाहता है सोसाइटी को, ही शुड बी अबोव द एज ऑफ 18 ईयर्स फॉर रजिस्ट्रेशन, यानी 18 साल से ऊपर कोई भी इंडिविजुअल जो है वो एप्लीकेंट जो है वो हो सकता है कोऑपरेटिव सोसाइटी की रजिस्ट्रेशन के लिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका सेक्शन 6। सेक्शन 6 जो है इस एक्ट का वो डील करता है रजिस्ट्रेशन एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी, यानी एट मोमेंट आप एप्लीकेशन देते हो रजिस्ट्रार को तो वो अगर सेटिस्फाइड है कि आपकी जो एप्लीकेशन है वो ये जो 1989 के एक्ट्स के सारे प्रोविजंस के साथ कंप्लाई करता है तो उस केस में वो आपको रजिस्टर्ड कर देगा, पहली चीज। और दूसरा, सेक्शन 6 डील करता है कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटी आप बनाना चाहते हो उस कोऑपरेटिव सोसाइटी के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। तो ऑब्जेक्टिव्स बहुत से हैं, जिसमें सबसे पहला ऑब्जेक्टिव ये है कि ये सेक्शन 4 के अकॉर्डिंगली जो भी प्रपोज सोसाइटी है उन ऑब्जेक्टिव्स को ये पूरा करना चाहिए, यानी सेक्शन 4 को ये पूरी तरीके से उसके साथ कंप्लाई करना चाहिए। दूसरा, इस सोसाइटी जो है वो सोशल जस्टिस के प्रिंसिपल के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को बनाने का मतलब ही क्या था, सोशल वेलफेयर, लोगों की वेलफेयर करना, लोगों को जस्टिस, सोशल जस्टिस प्रोवाइड करवाना बेसिकली, तो इसीलिए वो उसके अगेंस्ट नहीं होना चाहिए। और कोई भी बाय लॉज, जो भी मैंने आपको बताया था कि बाय लॉज जो कि टाइम बींग बनाए जाते हैं उनके प्रोविजंस के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए, उनके कंट्रेरी नहीं होना चाहिए। तो अगर ये सारे क्लॉज, ये सारे ऑब्जेक्टिव्स अगर ये फुलफिल करता है तो इसकी रजिस्ट्रेशन जो है वो रजिस्ट्रार कर देगा। इसके बाद आता है इसी के बीच में कि टाइम पीरियड क्या होना चाहिए रजिस्ट्रेशन का, किसी भी सोसाइटी को अगर रजिस्टर करना है तो रजिस्ट्रार कितना टाइम ले सकता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला इसमें दो चीज़ें हैं जो आपको नोटिस करनी है। सबसे पहला ये कि जो डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन है, यानी जब आपने एप्लीकेशन भरी तो विद इन वन मंथ जो रजिस्ट्रार है वो आपको रजिस्टर करेगा, और वो प्रोविजनली आपको रजिस्टर करेगा मैक्सिमम 6 मंथ्स के लिए, यानी इसका यह मतलब है कि एक मंथ के अंदर उसको आपको रजिस्टर करना ही करना है, बट वो प्रोविजनली आपको कितने मंथ्स के लिए करेगा, 6 मंथ्स के लिए। एट मोमेंट कि आप जब सारे क्राइटेरिया फुलफिल करते हो जो भी बाय लॉज के अकॉर्डिंगली या इस एक्ट के अकॉर्डिंगली 1989 में, अगर आप उसको उस सारे क्राइटेरियाज को फुलफिल करते हो, कंपाइल करते हो, उसके साथ कंप्लाई करते हो सॉरी, तो उस केस में बाद में वो आपको क्वालिफाई कर देगा एज ए परमानेंट रजिस्ट्रेशन, ठीक है। वो परमानेंट रजिस्ट्रेशन जो है वो आपको मिल जाएगी, लेकिन मैक्सिमम मंथ जो जिसमें आपको प्रोविजनली इसमें वो किया जाएगा, रजिस्टर किया जाएगा, वो 6 मंथ्स होते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है आपका सेक्शन 7। सेक्शन 7 जो है वो डील करता है रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के साथ में। क्या मतलब होता है रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के साथ, उसका मतलब क्या है रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, कि एट मोमेंट जब आपकी सोसाइटी, आपकी कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्टर हो जाती है उसके बाद आपको एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दिया जाता है जिस पे साइन जो होते हैं वो रजिस्ट्रार के होते हैं। अगर वो सेटिस्फाइड है कि ये जो सोसाइटी
जितने भी प्रोविजंस सेक्शन 6 जो है एक्ट के, अगर उनको क्वालिफाई करता है तो उसको परमानेंट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो है वो दे दिया जाता है। उससे पहले प्रोविजनल सर्टिफिकेट दिया जाता है, लेकिन जब वो कंप्लाई करेगा पूरे तरीके से सेक्शन 6 को, तो उसके बाद उसको परमानेंट रजिस्ट्रेशन जो है वो दे दिया जाता है। ठीक है, अब आ जाता है इसी में एक और चीज़ है कि सेक्शन 7 कहता है कि अगर बाय द वे रजिस्ट्रार रिफ्यूज कर देता है किसी भी सोसाइटी को रजिस्टर करने में, तो उस केस में क्या होगा। तो उस केस में जब भी आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया है तो विद इन 1 month इसको रिफ्यूज करना पड़ेगा रजिस्ट्रार को, और विद प्रॉपर डेफिनेशंस, विद प्रॉपर उसको कम्युनिकेट करना पड़ेगा कि वो इसको रिफ्यूज क्यों कर रहा है। तो दैट मीन्स इसकी अगर उस जो रजिस्ट्रार है अगर उसको किसी सोसाइटी को रजिस्टर्ड करना है तो वो 1 month में उसको रजिस्टर्ड करेगा या 1 month में उसको रिफ्यूज भी कर देगा। ठीक है, नेक्स्ट आ गया लाइबिलिटी ऑन द सोसाइटीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि लाइबिलिटी ऑन द सोसाइटीज़ का क्या मतलब होता है। कोई भी सोसाइटी जब रजिस्टर्ड होती है तो एक उसकी होती है लिमिटेड लाइबिलिटी और एक होती है अनलिमिटेड लाइबिलिटी। आपको ये याद रखना है कि लिमिटेड, दो तरह की सोसाइटीज़ मैंने आपको बोला होती हैं, लिमिटेड और अनलिमिटेड सोसाइटीज़। लिमिटेड सोसाइटीज़ की अगर हम बात करें तो वो सोसाइटीज़ होती, लिमिटेड लाइबिलिटी सॉरी नॉट सोसाइटी, लिमिटेड लाइबिलिटीज़ वो होती है सोसाइटी की कि जिसमें उनके जो शेयर्स हैं उन्हीं के अकॉर्डिंगली अगर कोई नुकसान होता है या प्रॉफिट नहीं हो रहा है या कुछ भी हो रहा है तो उस केस में उस सोसाइटी को अपने शेयर्स के अकॉर्डिंगली ही जो है वो क्या करना पड़ेगा, अपने जो शेयर्स हैं उसी के अकॉर्डिंगली उनको वहां पे पैसा इन्वेस्ट करना है या जो भी उनके शेयर्स के अकॉर्डिंगली ही उनको जो है वो लाइबिलिटी पड़ेगी। लेकिन अनलिमिटेड लाइबिलिटी का क्या मतलब हो गया कि दूसरे तरीके से भी अगर मतलब उनके शेयर्स अगर उतने नहीं हैं फिर भी उनको जो है वो लाइबिलिटी पड़ सकती है अगर कोई नुकसान होता है या कुछ भी होता है। दैट मीन्स लिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब है कि शेयर के अकॉर्डिंगली है वो रिलायबल है, और अनलिमिटेड का मतलब हो गया शेयर्स के बियॉन्ड भी जो है वो रिलायबल है। जैसे इसमें एग्जाम्पल एक बहुत बच्चे कन्फ्यूज हो रहे थे कि जो गवर्नमेंट होती है अगर बाय द वे गवर्नमेंट की जो शेयर्स होते हैं गवर्नमेंट के पास हमेशा जो है वो लिमिटेड लाइबिलिटी होती है। इसका यह मतलब है कि अगर गवर्नमेंट भी जो है गवर्नमेंट के मेंबर्स भी जो है वो कोऑपरेटिव हिस्सा होते हैं और अगर उनकी जो लाइबिलिटी होती है वो हमेशा क्या रहती है, लिमिटेड लाइबिलिटी रहती है, यानी उनकी तरफ से अगर कोई नुकसान हुआ है तो वो उतना ही भरेंगे जितना उनके शेयर्स होंगे, उससे ज्यादा वो नहीं भरेंगे। तो दैट मीन्स सोसाइटीज में दो तरह की लाइबिलिटीज हैं, लिमिटेड एंड अनलिमिटेड। लिमिटेड लाइबिलिटी मतलब जितने आपके शेयर्स हैं आपको उतनी ही रिलायबल रहना है, और अनलिमिटेड मतलब शेयर से ज्यादा रिलायबिलिटी आपकी जो है वो बढ़ जाती है। इसके बाद आ जाता है सेक्शन 8A। सेक्शन 8A जो है वो डील करती है कन्वर्शन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज, कि क्या कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी कन्वर्ट हो सकती है। तो इसमें दो इंपॉर्टेंट चीजें आपको याद रखनी। पहली ये कि जो कोऑपरेटिव क्रेडिट स्ट्रक्चर सोसाइटी जो रजिस्टर्ड है अंडर 1989 एक्ट में, वो एलिजिबल है क्या बनने के लिए, मेंबर ऑफ सेंट्रल लेवल कोऑपरेटिव। यानी कि जो कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी है वो कन्वर्ट हो सकती है किसमें, सेंट्रल लेवल कोऑपरेटिव में, लेकिन अगर वो रजिस्टर्ड है किसके अंदर, जम्मू एंड कश्मीर सेल्फ रिलायंट कोऑपरेटिव एक्ट 1999 के। और उसके अलावा अगर कोई कोऑपरेटिव रजिस्टर्ड है अंडर जम्मू एंड कश्मीर सेल्फ कोऑपरेटिव एक्ट, वो मेंबर बन सकती है कोऑपरेटिव फेडरेशन का अगर वो रजिस्टर्ड है अंडर 1989 एक्ट के। ठीक है, तो दोनों में बहुत डिफरेंस है, एक कोऑपरेटिव क्रेडिट स्ट्रक्चर सोसाइटी की बात कर रहा है और एक सिंपल कोऑपरेटिव की बात कर रहा है। ठीक है, और जो कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी जो है उसको एफिलिएट या डिसएफिलिएट कर सकते हैं कोऑपरेटिव फेडरेशन से अगर वो उस कोऑपरेटिव फेडरेशन की फाइनेंशियल पोजीशन को ध्यान में रखते हुए। यानी कोई भी कोऑपरेटिव क्रेडिट स्ट्रक्चर सोसाइटी जो है वो एफिलिएट या डिसएफिलिएट हो सकती है कोऑपरेटिव फेडरेशन से। कन्वर्शन का मतलब ये है कि वो उसमें जा भी सकती है, उसका मेंबर भी बन सकती है, और या फिर उससे डिसएफिलिएशन भी जो है वो हो सकती है। लेकिन ये जो डिसएफिलिएशन होगी ये पूरी तरीके से डिपेंड करेगी फाइनेंशियल लाइबिलिटी पे। ठीक है, इसके बाद आता है सेक्शन 9। सेक्शन 9 जो है वो बेसिकली डील करता है आपकी जो अमेंडमेंट, क्या जो बाय लॉज हैं वो अमेंड हो सकते हैं या नहीं हो सकते। तो सेक्शन 9 कहता है जी हाँ बिल्कुल अमेंडमेंट हो सकती है इस एक्ट में, और कोई भी अमेंडमेंट जो बाय लॉज की होगी कोऑपरेटिव सोसाइटी की वो वैलिड तभी तक होगी जब वो अमेंडमेंट जो होंगे वो जब तक रजिस्टर्ड नहीं होंगे
1989 एक्ट में, ठीक है। तो दैट मीन्स नो अमेंडमेंट ऑफ एनी बाय लॉ ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी शेल बी वैलिड अनलेस सच अमेंडमेंट हैज बीन रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट। इसका ये मतलब है, अगर आपको क्वेश्चन ये आएगा कि क्या जो ये जो एक्ट है 1989 का जो एक्ट है या फिर जो बाय लॉज हैं, क्या वो अमेंड हो सकते हैं, तो आंसर इज हो सकते हैं। लेकिन वो अमेंडमेंट रजिस्टर्ड कहाँ होनी चाहिए, वो रजिस्टर्ड होनी चाहिए ये जो आपका एक्ट है, जो अमेंडमेंट है वो रजिस्टर्ड होनी चाहिए अंडर दिस एक्ट, मतलब 1989 एक्ट में वो रजिस्टर्ड होनी चाहिए, तभी जो है वो अमेंड हो सकती हैं। और ऐसे प्रपोजल जो भी अमेंडमेंट के लिए अगर कोई प्रपोजल देना है तो वो किसको फॉरवर्ड करना पड़ेगा, वो रजिस्ट्रार को फॉरवर्ड करना पड़ेगा, और रजिस्ट्रार ही जो है वो प्रपोज कर सकता है कि ये अमेंडमेंट होंगी या नहीं होंगी, प्रोवाइडेड कि जो आप अमेंडमेंट कर रहे हो वो पूरी तरीके से जो 1989 एक्ट है उसके प्रोविजंस और रूल्स के साथ में क्या करना चाहिए, कंप्लाई करना चाहिए, कॉपरेटिव प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए, वो साउंड बिजनेस सेटिस्फाई करना चाहिए। अगर इस तरीके के प्रोविजन फुलफिल होते हैं तो उस केस में रजिस्ट्रार जो है वो अमेंडमेंट की इजाजत दे देगा। लेकिन सॉरी